ओरछा महल को विजिट करने के लिए आपको झांसी से ओरछा 18 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। अगर आप डायरेक्टली ओरछा आना चाहते हैं तो ओरछा का जो स्टेशन है मात्र 3 किलोमीटर दूर है ओरछा किले से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ओरछा का किला है और ओरछा में बहुत और भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसको आप विज़िट कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप आना चाहते हैं तो ओरछा स्टेशन तक आ सकते हैं, या फिर झांसी से ओरछा 18 किलोमीटर आप बाय रोड आ सकते हैं। यदि आप विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ पर विज़िट करने का सबसे अच्छा समय जो है नवंबर से लेकर मार्च तक होता है। गर्मियों में यहाँ पर विज़िट ना करें क्योंकि बुंदेलखंड में गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, आप यहाँ पर विज़िट नहीं कर पाएंगे, आपको परेशानी होगी। तो आइए अब विज़िट करते हैं हम इस वीडियो में और देखते हैं राजा महल को। जैसा कि आप देख रहे हैं हम ओरछा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये राजा महल का पीछे का हिस्सा है और यहाँ से ये इस तरीके से दिखता है। इस पुल को पार करके हम मेन गेट तक पहुँचेंगे और यहाँ पर ये देख लीजिए जो मेन गेट है उस पर उस समय पर इस तरीके से कुछ कीलों को लगाया गया था कि हाथी के द्वारा से इसको तोड़ा ना जा सके और सैनिक और कोई भी इसको क्षतिग्रस्त ना कर सके और ओरछा के मेन जो किला है वहाँ तक ना पहुँचा जा सके। तो ये सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पर उस समय जो गेट है उसको बनाया गया था और ये गेट आप देख सकते हैं कितना मजबूत है। इसके अंदर ये द्वार जो दिया गया है ये इसके लिए प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम अंदर होते हुए जाएंगे और एक सामने और गेट पड़ता है, यहाँ पर मिलता है टिकट और यहाँ से हमने टिकट ले लिया है। और अभी हमने टिकट जो लिया है वो राजा महल का है, तकरीबन 20 रुपये पर हेड के हिसाब से आपको यहाँ पर टिकट मिल जाएगा, एक व्यक्ति का 20 रुपये। और यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा व्यू है ओरछा महल के अंदर का और यहाँ पर पास में ही मंदिर है, इसके बाद जहांगीर महल है, ओरछा का महल है और कई सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि पास में ही बनी हुई हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये दीवाने आम है जो कि आम जनता के लिए राजा के द्वारा से बनाया गया था। यहाँ पे सभा होती थी, राजा जो थे जो लोग थे स्थानीय लोगों से यहाँ पर मुलाकात करते थे, उनकी परेशानियों को उनकी समस्याओं को यहाँ पर सुना जाता था। ये जो सामने आप देख रहे हैं यही है दीवाने आम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विज़िट कर लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे राजा महल की तरफ। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये होटल बना हुआ है साइड में जिसको बोला जाता है शीश महल, और ये सामने आप देख रहे हैं ये है जहांगीर महल, और जहांगीर महल के बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पर आपको मिलता है राजा का महल जो कि ओरछा के राजा का महल है, और उसी के पास में मिलती है दीवाने आम और राजा महल के अंदर ही मिलता है आपको दीवाने खास जो कि दो भाग हैं महत्वपूर्ण। तो अभी हम विज़िट कर रहे हैं दीवाने आम में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मुग़ल कालीन उस समय की जो यहाँ पर नक्काशी की गई है, मेहरावदार गेट बनाए गए हैं और यहाँ पर ये जब बना है ये किले के बाद इसको निर्माण किया गया, जब किला बन चुका था उसके बाद इसका निर्माण किया गया। आप छतों पर जो मुग़ल कालीन उस समय की वास्तुकला है उसको आप देख सकते हैं, जो शैली है उसको आप देख सकते हैं, गेटों का जो मेहराब है जो घुमाव है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो थे राजा बैठा करते थे और जो स्थानीय लोग हैं जो प्रजा है उनकी समस्याओं को यहाँ से वो सुना करते थे। तो ये वो तख्त है जहाँ पर वो बैठा करते थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको बनाया गया था, यहाँ पर आम जनता के लोगों के बैठने की व्यवस्था और जो भी जो ख़ास लोग थे उनके लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था थी। पूरी छत जो है वो यहाँ पर जो शैली है वहाँ की उस समय की जो कला थी उससे उसको सजाया गया था। अब ये थोड़ी थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो चुकी है लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है। दीवाने आम और दीवाने ख़ास दो प्रमुख महल के भाग हैं, इनमें सुंदर भित्ति चित्रों को बनाया गया है जिसमें श्रीमद् भगवत कृष्ण लीला रामायण की वस्तुकला को यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देखते हैं जो विष्णु के दशावतार हैं उनको भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। महल के युद्ध और नायक नायिकाओं को यहाँ पर राग रानियों का भी
अलौकिक चित्रण किया गया है। महत्वपूर्ण है ये चित्र जो हैं वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में बनाए गए थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से ये सीधा रास्ता होते हुए राजा महल के लिए जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये निशान बना हुआ है राजा महल के लिए। ये रास्ता सीधा राजा महल के लिए जाता है। ये सामने आप देख रहे हैं राजा महल को, और ये इसका प्रवेश द्वार है। यहाँ से होते हुए हम राजा महल के अंदर जाएंगे, और यहाँ से आप देख लीजिए कितना भव्य नज़ारा है, कितना विशाल ये महल है। और इस महल को घूमने के लिए आपको 20 रुपये का टिकट पर हेड के हिसाब से लेना होगा। अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो कांस्य जो प्रतिमाएं हैं उनके बारे में आपको दर्शाती है। तो वो भी हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में विजिट करें। ये पूरा अंदर का नज़ारा है, पूर्वी और दक्षिणी भाग है, और यहाँ पर ये वो कांस्य प्रतिमाएं हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। और कांस्य जो धातु की ये जो मूर्तियाँ हैं तकरीबन 3000 ईसा पूर्व की हैं। कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण जो है आम आदमियों से जुड़ा हुआ है। चोल शासन काल में कांस्य प्रतिमाओं का महान काल माना जाता है। कांस्य प्रतिमाओं की कहानी जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी हुई है, वहीं से ये प्रारंभ होती है। और सिंधु सभ्यता से यहाँ से दुर्लभ और दुबले पतले अंगों वाली जो नृत्यांगना लड़कियों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जो कि 9वीं से 13वीं शताब्दी में ये प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पर इनका ये प्रदर्शनी चित्र लगाया गया है। अब हम जाते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं, ये जो महल है ऊपर से भी उतना ही सुंदर दिखाई देता है जितना कि ये नीचे से। और यहाँ पर कई मंजिलों में इसको बनाया गया है। इस राजा महल की नींव रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 से 1531 के बीच में रखी। इसके बाद इसका निर्माण उनके ज्येष्ठ पुत्र भारती चंद्र ने 1531 से 1554 तक पूर्ण कराया। इसके बाद उनके छोटे भाई मधुकर शाह ने 1554 में कुछ अंतिम परिवर्तन कराते हुए इसको अंतिम रूप प्रदान किया। महल को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी विशालता है इस महल की, देखते ही बनती है। इसमें दोनों ही प्रकार की जो बुंदेलखंडी और मुगलकालीन जो यहाँ पर जो निर्माण व्यवस्था है यहाँ पर दिखाई देती है। आप देखते हैं जो बीच में मैदान है उसके चारों तरफ आपको कमरे दिखाई देते हैं। कमरों के बीच में आपको छतों पर कई सारी नक्काशी और जो आपको शैली है बुंदेलखंडी और मुगलाई शैली को यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि पत्थरों पर उकेरी गई कुछ नक्काशियाँ हैं। और छतों पर बनाए गए कुछ मेहराब और गेटों पर बनाए गए मेहराब हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ दी गई हैं कि आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर हम ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर और भी सुंदर तरीके से इस महल का निर्माण किया गया है। आप चारों तरफ देखते हैं गलियारे, और यहाँ पर जो सुंदर मेहराबदार गेट हैं उन पर नक्काशी की गई है। कई सारी यहाँ पर आप देखते हैं जो कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं, और वो बुंदेलखंडी जो यहाँ पर शैली है उसको दर्शाती हैं। यहाँ पर आप जो खिड़कियों पर जो देखते हैं जो जाफरी वगैरह लगाई गई हैं मुगलकालीन समय की हैं, और छतों पर आप देखते हैं ये शैली। आप इस तरीके के चित्र आप बहुत सारे देख सकते हैं। और कुछ कमरे आज बंद भी हैं, और जिनको हम आगे के वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। राजा भारती चंद्र द्वारा अपना निवास, जो कि महल का सबसे पहला निर्माण भाग है, उसको बनाया गया। और उसके बाद उसके भाग को, मुख्य प्रांगण के चारों तरफ बने कक्ष को राजा रानी और उनके जो संतानें थीं उनके लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे जो गुसल खाने बनाए गए हैं, जो कि महल के दक्षिणी भाग में हैं। उसको हम आपको आपके लिए विजिट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बुंदेलखंड सफारी आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लेके आती है, जहां पर महत्वपूर्ण जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊपर से लिया गया नज़ारा है पूरे महल का,
और यहाँ पर ये जो महल है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। जब भी आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो झांसी आकर आप झांसी से 18 किलोमीटर दूर पर ही ओरछा क्षेत्र आपको मिल जाता है, और डायरेक्टली आप ओरछा भी आ सकते हैं बाय ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन भी है। तो ओरछा का स्टेशन जो ओरछा महल है वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप डायरेक्ट ओरछा आते हैं तो आप यहाँ पर ओरछा स्टेशन से डायरेक्टली आप ओरछा महल तक आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप झांसी होते हुए आना चाहते हैं तो आपको आना होगा झांसी, और झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा पड़ता है। यहाँ पर आके आप ये ऐतिहासिक इमारतों को देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।